हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। ऑप्शन ए कर रहे हैं मुहारकेश। मुहारकेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ के पाठ के लेखक मुहारकेश जी है। तो अगला ऑप्शन बी कर रहे हैं मलेज, यही होगा यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है वो मलेज है, यानी कि ए का राइट आंसर बी होगा। दो नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कह रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, तो भगत सिंह है यानी कि दो का राइट आंसर ए होगा, भगत सिंह। तीन नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए कह रहा है श्रवण शक्ति की, ऑप्शन बी कह रहा है वाक शक्ति की, ऑप्शन सी कह रहा है दिव्य शक्ति की, ऑप्शन डी कह रहा है स्मरण शक्ति के। तो वाक शक्ति के नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के। तो तीन का राइट आंसर बी होगा, वाक शक्ति के। चार नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन रचित है तो देखिए मैला आंचल यह नहीं है, गोदान भी नहीं है, सौ आजान एक सूजन है, यानी कि चार का राइट आंसर सी होगा, सौ आजान एक सूजन। पांच नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कह रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। आपको याद रहना चाहिए लहना सिंह के गांव का जो नाम था वह माझे था, यानी कि पांच का राइट आंसर बी होगा, माझे।